हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे टाइम बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आज का जो वीडियो जिस माइक से मैं बना रहा हूँ, अभी मैंने दो दिन पहले ही अमेजोन से मैंने परचेस किया है। तो आप बताना मुझको कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, क्योंकि दो दिन पहले ही ये मेरे घर पर डिलीवर हुआ है। क्योंकि प्रीवियस जो मेरा माइक था वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा ये ऑर्डर करना पड़ा। तो आप उसी से ही मैं पूरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप मुझे वॉइस क्वालिटी ज़रूर बताना कमेंट करके कि वॉइस क्वालिटी कैसा है। सो आज का वीडियो का टॉपिक है कि एक ऑर्डिनरी जो हेलमेट होता है, ये ऑर्डिनरी एक नॉर्मल हेलमेट है जो हम रेगुलर यूज़ में यूज़ करते हैं यूसेज के लिए, जैसे अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या नियर बाय एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। सो जो ऑर्डिनरी हेलमेट यानी रेगुलर जो हेलमेट है, उसके ऊपर आप अपना कैमरा जो है एक्शन कैमरा, उसको कैसे माउंट कर सकते हैं। यानी जो लोग राइडिंग करते हैं, सो ज़्यादातर जो राइडिंग करते हैं वो लोग ऑन द गो बातें करते रहते हैं, तो मैं आपको पूरा ऑर्डिनरी कैमरा का, पूरा व्लॉगिंग कैमरा का सेटअप इसमें किस तरह से करना है मैं पूरा बताऊंगा। इसके मैंने अलग से कोई भी चीज़ खरीदी नहीं है, जो नॉर्मली जो एसेसरी आते हैं उसी के साथ मैं इसको जो है पूरा सेटअप करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना कि किस तरह से मैंने एक ऑर्डिनरी हेलमेट के ऊपर पूरा कैमरा माउंट सेटअप किया है, तो मैं डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा। सो बहुत ही सिंपल है, इजी है, इसके लिए अलग से कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे पास क्लिप है, नॉर्मली ये ज़्यादातर यहाँ पे रिस्ट में यूज़ होता है। आपने अगर बाइक राइडिंग का अगर आप वीडियो देखते हो तो आपने देखा होगा, कई लोगों ने यहाँ पे उनके रिस्ट के ऊपर यानी हाथ के ऊपर ऐसे लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप अपना कैमरा लगा सकते हो। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। लेकिन पहले क्या था कि मैंने अब तक जितनी राइड की थी स्कूटर के ऊपर, होंडा इटर्नो स्कूटर, उसके ऊपर, तो उस समय मेरे पास उसका माइक नहीं था, क्योंकि उसमें जो ये उसका स्पेशल माइक है वही सपोर्ट करता है। सो मैंने दो तीन और भी माइक मंगाए थे लेकिन वो सपोर्ट नहीं करे, और काफ़ी लगभग दो तीन महीने बाद मुझे ये उसका स्पेशल माइक मिला, तब जाके मैंने इसको मंगवाया। और उसके बाद मैंने फर्स्ट वीडियो शूट किया था नाइट में, और मैंने रिसेंटली नया बजाज एवेंजर क्रूज 220 लिया है, जिसके ऊपर मैंने उसका फर्स्ट ये कैमरा जो माइक है माइक्रोफोन उसका यूज़ किया था मेरे अकासो V50 प्रो एक्शन कैमरा के ऊपर, और उसमें अभी भी यूज़ जो है 5000 प्लस चल रहे हैं। सो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर आप कोई भी व्लॉगिंग करते हो ऑन द गो, तो उसमें व्यू के साथ साथ आपकी आवाज़ भी आनी जरूरी है, क्योंकि लोगों को तभी अच्छा लगता है देखने में कि अगर आप खुद बातचीत कर रहे हो। तो आपकी बातचीत से क्या होता है कि आपका और व्यूअर्स का कनेक्शन बना रहता है। क्योंकि मैं स्कूटर पर जब राइड किया था उस समय मेरे पास ऐसा माइक नहीं था, तो उस समय मैंने खाली रिकॉर्डिंग किया, तो मुझे कई सारी कमेंट आई थी कि आप दूसरे के व्लॉग्स देखिए कि उसमें देखो कैसे बातचीत कर रहे हैं, आप खाली हमें ग्रीनरी दिखा रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो। लेकिन उस समय मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास इसका कोई प्रॉपर माइक नहीं था, और मैंने जो मंगाया था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो मेरे पास वेट एंड वॉच के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और ये जो माइक की मैंने बात की, उसके साथ में कैसे एक जिप पाउच आया है, तो आप इसको इसके अंदर पूरा जो है आपका यूनिट कैरी कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छा है, तो आप मुझे वो भी एक कमेंट करना अगर आप लेना चाहते हो, और बहुत ही लो प्राइस में है। सो चलिए देखते हैं इसमें सिंपली आपको किस तरह से करना है। इसको हम पहले लगाते हैं, ये वेलक्रो वाला ही है, सिंपल सा है। हम यहाँ से वेलक्रो इसका ओपन करेंगे, और इसमें सिंपली ऐसा बक्कल जैसा है। सो ये हेलमेट का जो फ्रंट पोर्शन होता है जहाँ पे आप अपना कैमरा लगाते हो, तो आपको सिंपली यहाँ अंदर से उसको बाहर निकालना है। उसके बाद ये वेलक्रो को उसी बक्कल में से निकाल के बाहर ले लेना है। इसमें कोई लॉजिक ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जिस तरह से जहाँ पर भी एडजस्ट करना है ऊपर नीचे प्लस माइनस, आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो, और वेलक्रो को ऐसे लगा देना है। देखिए साइड में से और ये फ्रंट में से, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई हार्डवर्क नहीं लगेगा, और इसमें आपका कम से कम टाइम बचेगा। सो ये फर्स्ट माउंट हो गया यहाँ पे हमने जो लगाया। अभी हम जो है दूसरा माउंट करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा ऐसा सॉकेट चाहिए, जो नॉर्मली जो भी एक्शन कैमरा के एसेसरी मंगवाते हैं उसके साथ में आता ही है। सो हम इसको यहाँ पे हमारा जो एक्शन कैमरा है, इसमें अगर आप ऑन द ग्लो व्लॉगिंग करना है, माइक लगाना है, सो आपको ये ऐसा कवर केस नहीं लगाना होगा, आपको इसको ओपन रखना होगा। अगर बारिश का टाइम है तो कंपलसरी आपको इसको यूज़ करने का रहेगा, फिर उसमें आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, आप उसको बाद में भी वीडियो एडिटिंग के टाइम वॉइस ओवर करके इनपुट कर सकते हो, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपका लिपसिंग जो है उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा। सो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे फर्स्ट सेटअप उसके साथ मैच करेंगे कि हमने इसको अटैच कर दिया, और उसके साथ एक ऐसा सॉकेट चाहिए जिससे उसके साथ उसको फिक्स करना है।
ये देखिए हमने यहाँ पे ये जो है फर्स्ट इंस्टॉलेशन कर दिया है सिंपली। सो आप इसको लेफ्ट और राइट जो है पूरा यहाँ से ऐसे घुमा सकते हो, आपको जिस तरह से भी एंगल में आपको सेट करना है, फ्रंट में ऐसे स्ट्रेट रखना है, ऐसे रखना है। सो ऐसे ये पूरा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, इसके साथ में इसको जुड़ना है ऐसे। तो बहुत ही लॉजिक नहीं है सभी। देखो इस तरह से हमने इसको पूरा माउंट कर दिया है यहाँ पे सेटअप। यह थोड़ा हाइट पे मैंने रखा है, अगर आपको देखना है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप हाइट पे रख सकते हो। इसमें कैमरा सर के साथ काफ़ी सारे बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं, तो उसके हिसाब से आप उसका हाइट और लेंथ प्लस माइनस कर सकते हो। सभी मान लो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही आगे आ गया है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे नीचे कर दूंगा। तो आप देख लीजिए थोड़ा लंबा हो गया, तो यहाँ पे मुझे विज़न में या देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये सिंपली आपका जो है सेटअप पूरा हो गया है, आप देख सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बिगड़ेगा, हार्डली 2 मिनट के अंदर में, 1.5 से 2 मिनट में पूरा सेटअप हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि आपको माइक कैसे सेट करना है। सो इसके लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल हेलमेट खरीदने की ज़रूरत है, आपका नॉर्मल जो हेलमेट है उसके साथ भी आप मोटो व्लॉगिंग चालू कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे मैंने जो है पूरा ये ऐसे उसके पिन के अंदर में उसको मैंने लगा दिया है। अभी जहाँ अंदर की बात आती है, तो ये जो पूरा जो एक्सेस वायर है उसको आप पूरे ऐसे साथ में जोड़ के जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना छोड़ के बाकी आप पूरा ऐसे कर दो, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना छोड़ दीजिए। और उसके साथ में एक ऐसा ब्लैक तार जैसा आता है, तो उसके साथ आप यहाँ लगा सकते हो। अगर आपको बाहर नहीं लगाना है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको अंदर की साइड भी से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सिंपली जो है यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया है। अभी हमारा जो फेस है जहाँ पे हमारा माउथ रहेगा ये साइड में, सो हमें क्या करना है, अगर हमको ये जो क्लिप है उसका, ये जो क्लिप दिया है, ये जो उसका क्लिप है, हम वैसे ही बिल्कुल ठीक अंदर की तरफ से इसके अंदर ऐसे लगा सकते हैं। सो जब भी आप बातचीत करोगे तो आपका वॉइस जो है क्लियरली ऑडियंस तक जाएगा। तो जैसे ये जो पूरा वेलक्रो है उसी के ऊपर सेटअप है, आपको अलग से यहाँ पे कोई सेलो टैप या कोई भी टैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसी का ही जो वेलक्रो का स्ट्रिप है उसमें इसका जो है पिन पूरा फिट अंदर हो जाएगा और एक ही वेलक्रो के ऊपर पूरा चलेगा। प्लस ये जो है लॉक सिस्टम वाला है उसका बेस, तो आप उसको लॉक अनलॉक करके ये जो है पूरा यहाँ से ऐसे राउंड भी ये घूमता है, ये देखिए। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको निकाल देना है हेलमेट या साइड में रखना है तो सरफेस पे टच ना हो, तो आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। उसके बाद उसको स्टैंडिंग पोजीशन में लाके यहाँ ऊपर की तरफ लॉक है, वो लॉक अगर आप दबा दोगे सो ये मूवमेंट नहीं होगा, तो उसको यहाँ नीचे से करके लॉक कर देना है। ऊपर से प्रेस करोगे तो अनलॉक होगा, नीचे से प्रेस करोगे तो लॉक हो जाएगा। देखिए अभी लॉक हो गया, ये हिलेगा नहीं। और ड्यूरिंग द पूरा राइड जितने भी गड्ढे में से अगर आपकी बाइक क्रॉस होगी फिर भी इसमें ज़रा सा भी वाइब्रेशन नहीं आएगा, ना इसका जो पोजीशन है वो चेंज होगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। तो सिंपली सेटअप है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, तो अभी मैं आपको लगा के बता देता हूँ। ये देखिए मैंने जो है माइक यहाँ वेलक्रो को स्ट्रिप के ऊपर ही डायरेक्ट उसका पिन मैंने लगा दिया है। सो एनी टाइम आप कभी भी उसको रिमूव कर सकते हो, लगा भी सकते हो। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि पूरा हेलमेट निकालो या उसको लगाओ निकालो सेटअप करो। सो बहुत ही सिंपल है। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के शुक्रिया। लिव ए लाइफ। बाय बाय।